उस बिल्ला का निशेता मेरा जीव बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राजक या नाफ या रहीम या लतीफ या गफ्फार या या रहमान या रहीम या जलाल व इकराम या ही या रहीम हजारों करोड़ों लाख तरह हिंदू दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी जनाब दोस्तों मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर माज। मैं मुखातिब हूं अपनी यूथ से, अपने बच्चों से, अपने फखर से, अपने प्राइड से, अपने प्यारे पाकिस्तानी बच्चों से, अपने फ्यूचर से, बिकॉज यू आर बी फ्लैग बेयर ऑफ द फ्यूचर ऑफ आप ही मुस्तकबिल में हमारा झंडा उठाना है, नस्लों को आगे लेके जाना है। यू आर प्राइड, आप हमारा फखर है। मेरे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बड़ा सोच समझ के हमने चूज किया वो है हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप में खुद आत्मादी को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन मार गया है जो पर्सनैलिटी का, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का, अदरवाइज भी ये आज मेरी यूथ का हर बच्चा और हर बच्ची आपको किसी ना किसी पे बेसिस पे किसी ना किसी जगह पे इस चैलेंज से गुजर रहे हैं कि आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना। अच्छा इसमें एक बुनियादी चीज में आपको बता दो जो जिंदगी में रखें याद रखें, एंड फॉलो दिस रूल यू विल बी हैप्पी इन लाइफ। वो क्या रूल है? वो रूल ये है कि लोग क्या कहेंगे इस बात को उठा के ना बाहर से इंग्लिश में फैन, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोगों की बात इतना टाइम ही नहीं आपको है। डोंट बी ओवर कॉन्शियस अबाउट योर ड्रेस, डोंट बी ओवर कॉन्शियस अबाउट योर टॉकिंग, एंड डोंट बी ओवर कॉन्शियस अबाउट योर एफर्ट्स। आप अपने जज खुद हैं, यू आर इन कॉम्पिटिशन विद योर सेल्फ। इसीलिए आप मेरी इस टिप पे अमल करेंगे इंशाल्लाह तो आप बहुत बड़ी लेस होंगे। आपका किसी से कोई मुकाबला नहीं, आपका मुकाबला अपनी जात से। यू नीड टू बी बेटर टुमारो देन यस्टरडे। मेहनत करें, जिंदगी में खुद अपने टारगेट सेट करें और ना किसी में उन टारगेट्स पे काम करते जाएं। किसके पास कौन सी गाड़ी है, किस कौन सा मॉडल है मोबाइल का, कौन सी सूट पहन गया है, कौन से ब्रांड के कपड़े हैं, प्लीज डोंट थिंक ऑन इट एंड डोंट ओवरलोड योरसेल्फ विद द बैक ऑफ अदर्स। दूसरी टिप, पहली टिप मैंने कही है हैव योर ओन स्टीम, हैव योर ओन स्लॉट एंड रन इन योर ओन स्लॉट। आपका किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं, आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपकी जात से है। अगली बात मैंने आपसे ये की है कि डोंट कंपेयर विद योरसेल्फ विद अदर्स, लोगों से कंपेयर ना करें। और उससे अगली बात मैंने की है कि जब आप आगे बढ़ते जाते हैं डोंट बादर अदर्स, कौन क्या कर रहा है उसके बहुत ज्यादा उसके मामलात में इंटरेस्ट ना लें। अपने छोटे से सुपर कंप्यूटर को बहुत ज्यादा ओवरलोड ना करें लोगों की इंफॉर्मेशन लेकर, क्योंकि जितनी आप इंफॉर्मेशन लेंगे उतनी आप डिप्रेशन में जाए। मेरे देश का ये अलमिया डिफरेंट परसेंटेज है, मैं लोगों को मिलता रहता हूँ, बहुत सारे लोग आपके सामने फील बिहेव कर रहे हैं, वो रीजन ऐसे होते नहीं, पता नहीं एक्चुअली ये है फ्लाउ हो गया फ्लाउ हो गया, 15 मिनट बात सुनेंगे आपको कंफ्यूज कर देंगे, ना आपको राइट का छोड़ेंगे ना लेफ्ट का। वो ये हमारे बहुत ज्यादा बात है, हमारी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, हम तो ये हम पता चलेगा कि अब्बा जी ने उधार लेके आपको मोबाइल सेट लेके दे। डोंट डू इट। लोगों को कभी डिप्रेस ना करें, लोगों को मल्टी विटामिन दे, ओके उम्मीद के मोटिवेशन और मेहनत करें। जब आपने नीयत साफ रख के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मेहनत शुरू कर दी और आपके साथ आपके वालिदैन बाअदब बात सी बेअदब बात सी, तो जिंदगी में याद रखें कि अगर आपने बिल्कुल आपने टारगेट खुद सेट किए हैं, लोग क्या कहेंगे उस कंसेप्ट से आप आउट हो गए हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, पॉजिटिव थिंकर हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और अल्लाह की मखलूक के लिए भलाई सोचते हैं, फैसिलिटेट करते हैं लोगों को, आसानियां पैदा करते हैं, तो हो नहीं सकता कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ना मिले, आपकी मंजिल ना मिले। और ऐसा के ऊपर जो चार मिसाल है जो मल्टीविटामिन है वो आपके पेरेंट्स की दुआएं और आपके पेरेंट्स की उम्र के लोगों की दुआएं और आपके टीचर्स की दुआएं। तो मैंने 5 चीजें रेसिपी में आपको बता दी हैं। लोग क्या कहेंगे, नो इशू, जिंदगी में गिवअप नहीं करनी, नेगेटिव नहीं सोचना, लोगों की बातें नहीं सुननी, बी इन कॉम्पिटिशन विद योरसेल्फ, मेहनत करें, वालिदैन की और टीचरों की इज्जत करें और जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहें और कम्युनिटी के लिए सहायता करें, तो अल्लाह ताला खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस दे देंगे और आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरा खालिक मेरा मालिक मेरा रब आपके दिल की सारी इबादत कबूल करे और मेरे दिल की सारी इबादत कबूल करे और मेरे प्यारे देश पाकिस्तान में हमेशा हफाजत फरमाए। आमीन सुमा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।